हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NS कोचिंग में स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जब दो लाइनें आपके समांतर हो, मतलब दो रेखाएं आपके समांतर हो और उनको एक तीर्यक रेखा काटती हैं, तो आपके कौन कौन से एंगल बनते हैं और कौन कौन से कोण आपके बराबर होंगे और किन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इन कोणों को नाम दे देते हैं। तो ये आपका कोण नंबर 1 हो जाएगा, ये आपका कोण नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका कोण नंबर 3 और ये आपका हो जाएगा कोण नंबर 4। नीचे भी हम कोणों का नाम दे देते हैं। तो ये आपका कोण नंबर 5, ये आपका कोण नंबर 6, इधर आपका कोण नंबर 7 और इधर आपका कोण नंबर हो जाएगा 8। ठीक है, सबसे पहले हम कोणों को नाम दे देंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कोण बनते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा कोण बनता है वो हमारे बनते हैं अंतः कोण। जो अंदर की ओर बनेंगे वो आपके सारे अंतः कोण हो जाएंगे। तो हम देखते हैं अंदर की ओर हमारे कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो ये समांतर रेखा है और एक ये समांतर रेखा है और दोनों के अंदर की तरफ कोण 3, 4, 5 और 6 आपके अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो ये अंतः कोण हो जाएंगे। तो कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये आपके कौन से कोण हो जाएंगे, अंतः कोण हो जाएंगे। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि कोण 3 और 4 का योग 180 डिग्री के बराबर होगा और कोण 5 और 6 का योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, दूसरी जो आपका इसमें है आता है वो आता है आपका बाह्य कोण। तो बाह्य कोण आपके किस तरफ बनेंगे, समांतर रेखाओं के बाहर की तरफ बनेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से होंगे हमारे। तो ये समांतर रेखा इसके बाहर की तरफ आपका कोण 1 और 2 बन रहा है और ये समांतर रेखा इसके बाहर की तरफ 7 और 8 बन रहा है। तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये आपके कौन से कोण हो जाएंगे, बाह्य कोण हो जाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाह्य कोणों का योग भी कोण 1 और 2 का योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा और कोण 7 और 8 का योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तीसरा जो आपके कोण होगा वो होगा आपका शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम इंग्लिश के अंदर वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। एक ही शीर्ष के दोनों तरफ बनने वाले कोण हमेशा शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो अगर जैसे कि मान लीजिए ये दोनों लाइन है और एक दूसरे को काट रही है, तो इसके दोनों तरफ बने कोण हमेशा क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और कोण 1 और कोण 3 आपका क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। और कोण 2 और 4 भी बराबर हो जाएंगे। ऐसे कैसे आपके कोण 5 और 7 भी बराबर होगा और 6 और 8 भी बराबर होगा। तो कौन कौन से कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के और कोण 2 बराबर होगा आपके कोण 4 के और यहाँ पे आपका कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के और कोण 6 बराबर होगा कोण आपके कोण 6 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 के। ये आपके कौन से कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। इसके बाद में जो चौथा आपका कोण आता है वो आता है आपका संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, तो आप देखिए कौन कौन से कोण संगत होते हैं। तो जब भी दो लाइनें समांतर हो, दो रेखाएं समांतर हो और उनको एक तीर्यक रेखा काटती हैं, तो F की आकृति में बनने वाले कोण, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपका F बन रहा है ये, और यहाँ पे ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपका संगत होगा और इसके ऊपर वाला यहाँ का संगत कोण होगा। ठीक है, तो ये आपके कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो कोण 1 का जो संगत कोण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका 5, तो 1 और 5 संगत होंगे, 4 और 8 संगत होंगे, 2 का संगत कोण 6 होगा और 3 का संगत कोण 7 होगा। और ये सभी संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 का संगत कोण कौन सा होगा, आपके कोण 5 होगा, ये दोनों बराबर होंगे। और कोण 4 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 8 होगा, ये दोनों भी बराबर होंगे। और इधर इधर आपका कोण 2 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, तो कोण 2 का संगत कोण हो जाएगा कोण नंबर 6। और कोण 3 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, तो 3 और 7 बराबर होंगे। तो आपके संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और पांचवा जो आपका कोण आता है वो आता है आपका एकांतर कोण। और एकांतर कोण में आपके दो प्रकार के होंगे, एक तो अंतः एकांतर कोण होंगे, एक बाह्य एकांतर कोण होंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे मान लीजिए ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं, समांतर हैं और इनको एक तीर्यक रेखा काटती हैं। तो जेड की आकृति में बनने वाले कोण कुछ इस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जेड कितने हैं, ये कोण और ये कोण आपका कौन सा होगा, ये दोनों एकांतर कोण होंगे, क्रॉस पैटर्न में समझ सकते हैं हम। तो ये आपके एकांतर कोण होंगे और ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये 3 का एकांतर कोण 5 और 4 और 6 एकांतर कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे। और ये अंतः एकांतर कोण है क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका कोण नंबर 3 किसके बराबर होगा, कोण 5 के बराबर होगा। और कोण नंबर जो आपका 4 है वो किसके, वो आपका हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 4 बराबर हो जाएगा 6 के। और ये कौन से एकांतर कोण होंगे, आपके अंतः एकांतर कोण, क्योंकि ये आपके अंदर की ओर बन रहे हैं, तो ये आपके अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा हम देखेंगे बाह्य एकांतर कोण। तो सेम इसी तरह से आप देखेंगे तो बाह्य एकांतर कोण कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए 2 का एकांतर कोण हो जाएगा 8 और 1 का हो जाएगा 7। तो बाह्य एकांतर हो जाएंगे तो आपके कौन कौन से, कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण कौन सा होगा, 7 हो जाएगा कोण नंबर, और कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा कोण 8 नंबर। ये आपके कौन से कोण होंगे, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है,
भाई एकांतर कोण हो जाएंगे। तो ये आपके सारे कोण हो जाएंगे जब दो लाइनें क्या हो, समांतर हो। एक बार हम वापस देख लेते हैं कि मान लीजिए आपकी अगर एल और एम क्या है, समांतर है, पैरेलल है, और उनको एन एक तीर्यक रेखा काटती है, तो आपके ये सारे कोण बनते हैं। सबसे पहले आपके अंत्य कोण होता है जो अंदर की ओर बनते हैं, 3, 4, 5, 6 ये आपके अंत्य कोण होंगे, और 3, 4 का योग 180 डिग्री होगा, 5, 6 का योग भी 180 डिग्री होगा। दूसरा जो आपके कोण बनते हैं वो बाह्य कोण होते हैं जो बाहर की तरफ बनते हैं, 1 और 2 इनका योग भी 180 डिग्री होगा, और 7 और 8 इनका योग भी 180 डिग्री होगा। तीसरा आपके बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जब दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो एक दूसरे के विपरीत बने कोण, ये आपके बराबर होते हैं हमेशा शीर्षाभिमुख कोण, तो 1, 3 के बराबर होगा, 2, 4 के बराबर होगा, 5, 7 के बराबर होगा, और 6, 8 के बराबर होगा, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए। इसके बाद आता है आपका संगत कोण, तो आप इंग्लिश का जो ABCD में जो बड़ा F आता है उसमें बनते हैं, जैसे यहाँ पे 1 का संगत कोण 5 हो जाएगा, 4 का संगत कोण 8 हो जाएगा, 2 का संगत कोण 6 और 3 का संगत कोण 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एकांतर कोण, तो इस क्रॉस प्लेट में समझ सकते हैं या जेड की आकृति में समझ सकते हैं, तो 3 का संगत कोण 5 बराबर होंगे दोनों, 4 का 6 बराबर होंगे, ये अंत एकांतर कोण है, और बाह्य 2 का एकांतर कोण हो जाएगा 8 और 1 का हो जाएगा 7। तो ये सारे कोण आपको इसमें बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।